वीरभूमि चित्तौड़गढ़ से स्वागत अभिनंदन है। सारे खिलाड़ी वीरभूमि के मौजूद है यहाँ पे, देवरिया ग्राउंड में सब मौजूद है, सारे खिलाड़ी मौजूद है। आयोजक हमारे हीरालाल जी वो जा रहे हैं और सभी खिलाड़ी। अब फाइनल का दौर है और जबरदस्त तरीके से सभी खिलाड़ी मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पराक्रम दिखाई दे रहे हैं और भगवान चार भुजा नाथ की कृपा से मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। आज गेम देखो, देखो सभी खिलाड़ी कह रहे हैं आज देखो, आज होगा सबसे बड़ा। और खिलाड़ी देखिए तैयार हो रहे हैं। उधर सामने देखिए वीरभूमि चित्तौड़गढ़ पे, जैसे आपने देखा होगा कि 300-400 पहले जंग होती थी, लेकिन अब जंग अलग तरीके होती है। अब क्रिकेट टूर्नामेंट से जीती जाती है, उंगली दबाकर प्रधानमंत्री को चुना जाता है, उंगली से दम पे जंग जीती जाती है। और हमारे ये जितने भी खिलाड़ी है वीरभूमि चित्तौड़गढ़ पे क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना पराक्रम दिखाने के लिए आए हैं। बिल्कुल आए हैं सर, जीतेंगे 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 जीतेंगे, जीते हैं और जीतेंगे। जय भाव, जीते हैं और जीतेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात। नाम तो बताइए। नीलू भाटी। नीलू भाटी कहाँ से? एमपी। ये एमपी की टीम है अपनी। आइए थोड़ा हमारे एमपी के साथियों का जोश बढ़ाते हैं। तो एमपी के साथी सब यहाँ पे मौजूद, सब एमपी की टीम। अरे एमपी की टीम करेगी मौज, एक बार जेकर हो जाए, एक बार जेकर आ। बड़े 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 पॉइंटिंग हम बोला। बोलो बोलो। जीते हैं और जीतेंगे, 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 जीते हैं और जीतेंगे, जीतेंगे और जीतेंगे। वाह भाई वाह, मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। पार्टी पार्टी बदल। हाँ चलो, माता की। अरे जीते हैं और जीतेंगे, जीतेंगे। हाँ क्या बात है, बड़े भाई साहब ने लाख रुपए की बात की। वीरभूमि चित्तौड़गढ़ से कोई लड़ने को तैयार नहीं है। हाँ, किसी से खेलने के लिए कमजोर टीम, किसी के खेलने के लिए तैयार हूँ। देखिए ये होता है खेल, खेल खेल के माध्यम से परिवार का मिलने का मौका, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से विचार कर रहे हैं, यहाँ पे कितना मजा आ रहा है। और वो सामने उधर पाली की टीम, हमारे सभी मित्र भाई बहुत दूर जाके बैठे हैं, उनसे भी मिलेंगे लेकिन कुछ देर के बाद अगली वीडियो में। तो देखिए ये जबरदस्त टूर्नामेंट का कार्यक्रम चल रहा है, मेहमान जो है लगातार वो यहाँ पे आ रहे हैं, खिलाड़ी जो है वो मैदान में डटे हुए हैं, श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, अतिथि लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और मैंने भी अपनी भागीदारी इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जैसी भी संभव हो भागीदारी निभाई है। बहुत बहुत आयोजकों का धन्यवाद कि मुझे भी इसके लिए योग्य समझा। हाँ हाँ हाँ, तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है। बड़े भाई साहब जमुना लाल जी की सेवा सराहनीय है, जमुना लाल जी सामने बिराजे हुए हैं सेकंड नंबर पे। बड़े भाई साहब आपका नाम? राम सिंह जी। देखो श्रोता के रूप में बता रहे हैं, अपन दोनों खेल लें और बड़ी ट्रॉफी लेके चले जाएं। चलो खेल लो, देखो कोई नहीं लड़ा बजा लगे बेबी तो लेनी क्या है। ढूंढते रह जाओगे यार हमारे जैसा, आए बाद में और लेके चले गए, लेके ट्रॉफी चले गए। हाँ जमुना लाल जी दो शब्द हो जाए। देखा जमुना लाल जी सामने पूरा आनंद, आज कुछ प्रोग्राम था उसमें भी नहीं जा सके। धन्य है, समाज का एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, धन्य है वो, उसमें भी नहीं जा पाए। देखो धन्य है वो माँ, धन्य है वो पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है। अरे राम उतर रही, नमस्कार। टूर्नामेंट का इतना जोरदार आनंद आ रहा है, जो आज एक मेरी सेल समाज की मातृभूमि मीटिंग थी उसमें भी नहीं जब आया मैं, क्योंकि ये मैच का आनंद देना है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख हमारे मोल कबीरा। तो ये देखिए हीरे हैं, कितना प्रेम कितना स्नेह। चार दिन से मैं भी देख रहा हूँ व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, यहाँ की मंच की व्यवस्था, रात्रि स्टैंड तंबू की ध्यान रखने की व्यवस्था, खिलाड़ियों की ध्यान की व्यवस्था, यहाँ जितने भी अतिथि आए हैं उन सभी की सम्मान की व्यवस्था। ऐसे सम्मान करने वालों का तो ईश्वर भी सम्मान करते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर, जमुना लाल जी धन्य है, माता पिता धन्य है, आपके दादा दादी धन्य है, वो कुल नाना नानी माँ धन्य है, आपकी वो पत्नी बच्चे जिन्होंने आपको इस सेवा की प्रेरणा दी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सदा हम आपको याद करते रहेंगे, सदा आपका
जहाँ भी क्रिकेट प्रतियोगिता आपका नाम लेते रहेंगे और हम उदाहरण देंगे कि बनिए जमनालाल जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए और भी साथी बहुत सारे हैं, तो इधर इनकी टीम भी तैयारी हो रही है। ये कौन सी टीम है और क्यों तैयारी कर रही है? बैट बल्ले लेके क्या हो रहा भाई, आप ये क्या कर रहे हो? चल रहा है अभी, अभी चलने वाला है, चलेगा नेक्स्ट अपना ही है, यही मैच अपना, यही अपना है। एक तो ये और एक कूद पड़ो मैदान में, कूद पड़ो मैदान में रणचंडियों की तरह। तो मैदान में कूदने जा रहे खिलाड़ी और मैं भी आपको चित्तौड़गढ़ के एक एक दृश्य बता रहा हूँ। छोटे छोटे खिलाड़ी भी यहाँ पे मौजूद है। तो वीरभूमि चित्तौड़गढ़ में ये चार दिन का टूर्नामेंट है और चार दिन के टूर्नामेंट में मुझे भी आने का अवसर मिला है। मुझे जो प्रेम स्नेह मिला है उसके लिए मैं चित्तौड़गढ़ का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, भामा साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, मेरे मित्रों मेरे सखाओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गर्मी काफ़ी पड़ रही है और सर है जो वो जो है गर्म हो गया है, इसलिए आपसे थोड़ी देर के लिए रुख्सत लेता हूँ, अलविदा कहता हूँ। फिर हम नई स्टोरी में मिलेंगे नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जसमा जी की जय और समाज।